हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड डूइंग गुड एट योर प्लेस। आई एम मोनिका फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैशरगढ़। इन प्रीवियस क्लासेस वी डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 1C, 1B एंड टुडे वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 1C। ओके, तो पहले इससे पहले हमने क्या पढ़ा था वीडियो में? इंटरनेशनल जो वैल्यू सिस्टम है वो टेबल की थी, और जो इंडियन वैल्यू सिस्टम है वो वाली टेबल की थी। ठीक है, तो अभी इनके ऊपर क्या आ गए, ये क्वेश्चन आ गई, एक्सरसाइज आ गई 1.C, तो ये अभी करेंगे। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम यूजिंग पीरियड्स एंड राइट देम इन वर्ड्स। ओके, तो वर्ड्स के अंदर लिखनी है आपको इंटरनेशनल जो वैल्यू सिस्टम है उसको। फर्स्ट वाला ए पार्ट देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? पहले वंस, फिर टेंस, फिर 100, ये तीनों वाले आ गए वंस वाले। ओके, फिर तीन आएंगे थाउजेंड वाले, ये 3, नेक्स्ट वाले 3, थाउजेंड वाले ये 1000, और ये 10000, और ये 100000। ओके, और फिर आएंगे 3 मिलियन वाले। ठीक है, इसमें 3-3 के पेयर होते हैं। ओके, और ये वाला 1 मिलियन, ये 10 मिलियन, और ये 100 मिलियन। ओके, इंडियन सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे वंस, टेंस, 100, ये तो सेम रहता है, ये भी सेम रहता है। आगे हम करते हैं 1000 और ये 10000, यहाँ तक तो सेम रहता है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, इतने डिजिट तक तो। ठीक है, कितने डिजिट हो गए ये? 3 और 2 5 डिजिट तक तो इंटरनेशनल सिस्टम और जो इंडियन सिस्टम है वो सेम रहता है। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं लेक का। ये 2 है, ये कौन से प्लेस पे आ जाता है इंडियन सिस्टम में? लेक आ जाता है। ओके, पर इसमें जो इंटरनेशनल सिस्टम है इसमें हम बोलेंगे 100000। ओके, थर्ड वाला ये 100000, उसके बाद में हम तो बोलते हैं 10 लेक, बट इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आ जाता है? मिलियन, मिलियन स्टार्ट हो जाता है 10 लेक, और जो इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन। ओके, 10 लेक इंडियन सिस्टम में, बट इन इंटरनेशनल सिस्टम वी टेक दिस 1 मिलियन। ओके, फिर उसके बाद में 10 मिलियन, 10 मिलियन, बट इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम में क्या आता है? 10 लेक के बाद आ जाता है करोड़। ओके, फिर उसके बाद में हमारा आ जाता है इंडियन सिस्टम के अंदर आ जाता है 10 करोड़, बट इसके अंदर आ जाता है 100 मिलियन, 100 मिलियन। ओके, बस ये इतना डिफरेंस है इनमें। तो इसको जो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर कैसे राइट करेंगे? 3-3 के पेयर बनाओ पहले, ये 3 का पेयर, फिर ये 3 का, और फिर ये 3 का। ओके, तो पहले 648 मिलियन। ओके, ये थर्ड वाले तीनों पेयर किस में आते हैं? मिलियन के अंदर। तो 648 मिलियन, फिर ये 295000, क्योंकि ये सेकंड वाला जो तीनों पेयर है ये 1000 के। ओके, तो ये 295000, और फिर ये 825। ओके, कैसे राइट, वर्ड की फॉर्म में राइट करना है इनको ऐसे। ठीक है, फर्स्ट वाला ये पार्ट ही ना,  648 million 295,825। ओके, 3-3 के पेयर करने। सेकंड वाले डी क्वेश्चन के पार्ट के अंदर देखो, थ्री थ्री के पेयर ये रहे,
पहले वंस, टेंस, हंड्रेड, वन थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन, तो ये कितना आ जाएगा, फोर मिलियन। फिर उसके बाद में जो टेन मिलियन और वन मिलियन की जगह ज़ीरो है तो इसको नहीं बोलेंगे, और फिर थाउजेंड वाले प्लेस पे भी ज़ीरो है, हंड्रेड थाउजेंड वाले प्लेस पे ज़ीरो है तो इसको भी नहीं बोलना, सीधा डायरेक्ट फिफ्टी थाउजेंड। और फिर हंड्रेड वाले प्लेस पे ज़ीरो है, टेंस वाले प्लेस पे ज़ीरो है, सीधा एट है तो सीधा एट बोलेंगे, फोर मिलियन फिफ्टी थाउजेंड एट। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपको थ्री थ्री की पेयर बना के जो फर्स्ट वाले थ्री वंस टेंस, वंस टेंस हंड्रेड वाले होंगे, वो फिफ्थ जो तीनों हैं वो किसके होंगे, थाउजेंड वाले होंगे, वन थाउजेंड, टेन थाउजेंड और हंड्रेड थाउजेंड। ओके, और फिर जो नेक्स्ट थ्री कौन से वाले होंगे, मिलियन वाले, वन मिलियन, टेन मिलियन और हंड्रेड मिलियन, इस तरह के थ्री थ्री पेयर होंगे। फिर इसके बाद में भी अगर हो तो वो होते हैं बिलियन वाले, ये मिलियन और वो बिलियन। ओके, इजी है ये करोगे तो। अब वाले पार्ट में ये कितना आ गया, सिक्स मिलियन फोर हंड्रेड एट्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी सिक्स। ओके, एच वाले पार्ट के अंदर फिर वंस, टेंस, हंड्रेड, वन थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन, तो ये हो जाएगा फिफ्टी मिलियन एट हंड्रेड ट्वेंटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड। ओके, सेकंड वाले इसी तरह ये सभी पार्ट करोगे एक के। सेकंड वाले में क्या करना है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग नंबर इन इंडियन सिस्टम यूजिंग पेयर्ड एंड राइट देम इन वर्ड्स। ओके, इंडियन सिस्टम के अंदर क्या करते हैं हम, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, उसमें था हंड्रेड थाउजेंड बट इट में आ जाएगा लेक, टेन लेक क्रोर। ओके, तो ये आपको रिमेम्बर रखनी है, और ये रिमेम्बर कैसे आपको याद कैसे होगा, ये लर्न कैसे होगे, ये जो टेबल पहले की थी ना हमने, वो टेबल आपको दोनों को इंडियन सिस्टम वाली और जो इंटरनेशनल सिस्टम है ये टेबल लर्न करोगे अच्छे से, फिर आपको ये अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, ये कितना आ जाएगा फिर, वंस, टेंस, इसको वर्ड की फॉर्म में राइट करोगे। ओके, ऐसे सेकंड वाला क्वेश्चन, टू क्रोर थर्टी फोर लेख फोर्टी सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी सिक्स। ओके, पहले आप प्लेस वैल्यू को बोल के देखोगे और फिर उसके बाद में वर्ड की फॉर्म में राइट करोगे। ओके, जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लेक, टेन लेक, क्रोर, तो इसका आ जाएगा फाइव क्रोर, ये सिक्सटी थ्री लेक फिफ्टी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी एट। ओके, फिर वर्ड के फॉर्म में ऐसे राइट करना है आपको। तो इस तरह से जो इंटरनेशनल सिस्टम और जो वैल्यू सिस्टम है वो आपका कंप्लीट हो जाएंगे, ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करोगे। और फिर सी पार्ट के अंदर क्या करना है, पुट द करेक्ट साइन, आपको ये साइन लगाने, जो एरो के साइन दे रखे हैं ना, ये साइन और ये जो इक्वल का साइन है वो, इन द गिवन सिचुएशन। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारे दे रखे हैं, इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये टेबल है बुक के अंदर, ये याद रखोगे। ओके, वन थाउजेंड मिलीमीटर क्या है, ये
1000 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर के। ओके, तो ये आपको लर्न करना है, 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, सेकंड, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। के एम का अर्थ होता है किलोमीटर, और एम का मीटर, और डबल एम का मिलीमीटर, ये रहा मिलीमीटर, और सी एम का होता है सेंटीमीटर, और सीधा एम का मीटर, और के एम का किलोमीटर। ओके, 1000 मिलीलीटर लेंथ, और इनके लिए क्या करते हैं हम, ये लेंथ मास कैपेसिटी, इनको मेजर करने के लिए इन सब का यूज करना होता है, ठीक है, मिलीमीटर, मिलीलीटर, मिलीग्राम, इन सब का। तो 1 मिलीमीटर इसी तरह 1 मिलीलीटर हो जाएगा, 1000 मिलीलीटर किसके इक्वल होगा, 1 लीटर के, और 1000 मिलीमीटर किसके इक्वल होगा, 1 मीटर के, ये 1 लीटर के और ये 1 मीटर के, इस तरह सेम 1000 ग्राम किसके इक्वल होगा, 1 किलोग्राम के। तो ये आपको लर्न करना है, ओके, ये वाली टेबल, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ओके, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो पहले जितने तो नोटबुक में अच्छे से लिखोगे इनको, और फिर ये थर्ड वाला पार्ट आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो 1 8 मीटर, 8 मीटर में बीच में किसका साइन आ जाएगा, इधर कितना है 850 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर के इक्वल करने के लिए कितना लग जाएगा, आप बताओ, 100 लगता है। ओके, तो इसमें साइन किसका आ जाएगा, 8 मीटर वाला है ये, क्या हो गया, इससे लेस हो गया, ठीक है, क्यों हो गया लेस, क्योंकि 1 मीटर में 200 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इस 8 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 800 सेंटीमीटर। ओके, और ये इधर कितना है, 850 सेंटीमीटर। ओके, तो इधर 850 सेंटीमीटर है, उधर 800 सेंटीमीटर, तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा ना, 850 सेंटीमीटर बिग होगा ना, तो इस वाली साइन, इस वाली साइड, ये वाला साइन हो जाएगा बिग वाला। ओके, तो इसके लिए, इन क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर किसके इक्वल टू होता है, कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर। ओके, जो भी पहले टेबल कर रखी है ना, ये सभी आपको बुक में से टेबल नोटबुक में ड्रॉ करनी है। ओके, फिर नेक्स्ट, 4 सेंटीमीटर, फिर इधर कितना है, 450 मिलीमीटर, मिलीमीटर किसके इक्वल होता है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाओगे तब कितना आएगा, 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर, इधर देखो,
वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, तो इसमें ये 40 मिलीमीटर, बीच में ये डैश और 450 मिलीमीटर। ओके, तो ये वाला 40 है और इधर 450 है, तो ये क्या होगा, लार्ज होगा इस वाली साइड। ओके, ये लार्ज का साइन आ जाएगा, इधर मिनिमम का साइन होगा। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, जी इन क्वेश्चन में दे रखे ना एग्जांपल, सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन आपका थर्ड। अब देखो 5000 डी वाला पार्ट, 5000 सेंटीमीटर, फिर बीच में साइन डैश, फिर 5 मीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें ये 5000 है सेंटीमीटर है। ओके, तो इसको कन्वर्ट करोगे जब, फिर कितना आ जाएगा, इसमें ये साइन आएगा 1 मीटर में, सॉरी यहाँ पे 100 आएगा। ओके, यहाँ पे ये 1000 गलती से लिख दिया, 100 होते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, डी वाले पार्ट के अंदर ये वाला लेस हो गया ना, ये वाला लेस हो गया और ये वाला लार्ज हो गया। ओके, क्योंकि इसको जब हम करेंगे सेंटीमीटर के अंदर तो ये 5000 सेंटीमीटर ही आएगा, बट यहाँ पर कितना है, ये 500 ही आएगा और ये 5000 हमें पहले से दे रखा है। ओके, तो ये 5000 क्या हो गया, लार्ज हो गया 500 वाले से। ओके, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ये। इसी तरह बाकी सभी पार्ट करने हैं। इससे पहले आप जब टेबल करोगे कंप्लीट, ओके, स्टे होम स्टे सेफ, एक्सरसाइज 1.C कंप्लीट।